गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान मंथन पर बहुत बहुत स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा था, हम लोग अब बी से पढ़ेंगे, देखेंगे बी से बनने वाले 10 वन वर्ड्स को। और ये हमारा बी से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट होगा। इसे हम बहुत ही अद्भुत तरीके से इस स्लाइड में देखेंगे आज। ये एक नया तरीका से मैंने अब वन वर्ड लाने का फैसला किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अब वीडियो का क्वालिटी और भी बेहतर हो गया है इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने तीन चीज लिखा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमबी पब्लिकेशन बुक का ही है और ज्ञान मंथन हमारे चैनल का नाम है। चलिए पहला वर्ड देखते हैं आज का, बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। दूसरा वर्ड है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है एक लंबी कहानी भरी कविता। तीसरा शब्द है बैलेट। बैलेट का मतलब होता है नृत्य नाटिका। चौथा शब्द है बीहेड। बीहेड का मतलब होता है सर कलम करना। पांचवा शब्द है बेलिकोज, और बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। छठा शब्द है बेलिजरेंट्स। बेलिजरेंट्स का मतलब होता है युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। सातवां शब्द है बेनेडिक्शन, और बेनेडिक्शन का मतलब होता है मंगल कामना या प्रार्थना। नेक्स्ट वर्ड है आठवा, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है उदारता। नौवा शब्द है बिट्रे, और बिट्रे का मतलब होता है किसी से विश्वासघात करना। और लास्ट वर्ड है आज का बेवी। बेवी का मतलब होता है लोगों का दल। तो चलिए देखते हैं इन 10 वर्ड को कैसे याद करेंगे और क्या ट्रिक लग रहा है हर वर्ड में, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहला वर्ड जैसा कि था बैचलर, और बैचलर का मतलब होता है अ मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, अविवाहित। जो इंसान अविवाहित हो उसे बैचलर बोला जाता है। ये बहुत ही कॉमन शब्द है, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बनाया है, लेकिन ये चूंकि सीरीज में था तो मुझे ये लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया यहाँ पे। तो बैचलर आप सभी लोग जानते हैं, जो भी अकेला इंसान रहता है उसे बैचलर कहा जाता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि इंसान अकेला खड़ा है तो वो बैचलर में है। अगर जिसके पास फैमिली हो या शादीशुदा हो उसे बैचलर नहीं कहते हैं, तो अकेला अविवाहित हो तो बैचलर। नेक्स्ट वर्ड है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, एक लंबी कहानी भरी कविता। तो बैलेड को देखिए कैसे याद रखेंगे, एक मैंने पोयम बनाया है खुद से, पुट वन बॉल एंड अगेन पुट वन बॉल यू विल गेट टू। यहाँ पे बॉल को ऐड करने का बात हो रहा है कि एक बॉल को लीजिए, फिर उसमें एक और बॉल को ऐड कीजिए और आपके पास दो हो जाएगा। तो बॉल को ऐड कर करके एक कहानी बन रहा है कविता की तरह, बच्चों के लिए एक लंबी कहानी भरी कविता। यहाँ पे और भी हो सकता था, पुट वन बॉल एंड अगेन पुट वन बॉल एंड अगेन पुट वन बॉल एंड यू विल गेट टू। ये याद करने का एक तरीका मैंने लॉन्च किया है, इसका पर्पज सिर्फ आपको याद कराना है। तो इस तरह से बैल ऐड को बॉल और ऐड में तोड़ के आप याद कर सकते हैं, लॉन्ग सॉन्ग फॉर पोयम, एक लंबी कहानी भरी कविता। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट। बैलेट का मतलब होता है एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, नृत्य नाटिका जिसे बोलते हैं। मतलब डांस करते हुए आपका कुछ उसमें नाटक का भी बोध होना चाहिए, नाटक वाला भी फीलिंग आना चाहिए, वैसे डांस को नृत्य नाटिका बोला जाता है, बैलेट बोला जाता है। तो बैलेट में देखिए टी को अगर हटा तो बल्ले बल्ले आ रहा है, बल्ले बल्ले करने से डांस का ही सेंस आ रहा है, और टी से आप नौटंकी याद रख सकते हैं, तो बल्ले बल्ले करते हुए टी से नौटंकी करना है। तो एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बी हेड। बी हेड का मतलब होता है बिना हेड का, टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना। तो बी हेड को बी को मैंने बिना कर दिया है, बी से बिना, और हेड मतलब सिर, बिना सिर का सर कलम करना, बी हेड करना, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और फाइट, झगड़ालू। तो बेली को कैसे याद रखेंगे, बेली प्लस कॉज में मैंने तोड़ दिया है, स्पेलिंग थोड़ा चेंज किया है मैंने। बेली मतलब होता है पेट और कॉज का मतलब होता है कारण। पेट के कारण हर लोग झगड़ा करते हैं, अगर कोई गरीब है या फिर कहीं खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनके लिए, तो वो लोग झगड़ा करते हैं। बेली कॉज मतलब पेट के लिए झगड़ा। वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और फाइट, वी कैन से ड्यू टू बेली, पेट के लिए झगड़ालू, ये लड़ाकू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेलिजरेंट्स।
बेलिजरेंट्स का मतलब होता है नेशंस इंगेज्ड इन वॉर, ऐसे ऐसे राष्ट्र युद्ध में लगे हुए होने उसे बेलिजरेंट्स कहते हैं। तो बेलिजरेंट्स में मैंने बेली को बिल्ली लिखा है और जेरेंट्स को जेरी लिखा है, तो टॉम बिल्ली टॉम हुआ है और जेरी सभी ने देखा होगा टॉम एंड जेरी कार्टून को, तो बेलिजरेंट्स को बिल्ली प्लस जेरी में मैंने ब्रेक करके इसे याद करने का बहुत ही अनोखा तरीका यहाँ पे लगाया है। बेलिजरेंट्स को बिल्ली प्लस जेरी दोनों अलग अलग राष्ट्र को अगर बिलोंग करते हैं तो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, इस तरह से याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है प्रार्थना या मंगल कामना। देखिए इसको मैं रूट से आपको याद करवाऊंगा, आपको ये याद करना ही होगा क्योंकि अगर ये रूट आप याद कर लेते हैं तो आगे आने वाला बहुत सारा वर्ड इस रूट पे जो भी बनेगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें रूट क्या है, BENE बेनी दिख रहा है आपको, तो बेनी का मतलब होता है गुड, आप इसे याद रखें। जहां जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, बेनिवोलेंस, हर जगह कहीं भी BENE वर्ड आपको मिले किसी भी शब्द के पहले उसका मतलब होता है गुड, अच्छा, नाइस। और डिक्शन, डिक्शन जो बना है, डिक्शन का मतलब होता है कुछ कहना, जैसे डिक्शनरी, प्रिडिक्शन, तो डिक्शन का मतलब कुछ कहना और बेनी मतलब अच्छा, अच्छा, तो अच्छा कहना। अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, एक ऐसा प्रार्थना जिसमें भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं अच्छा चीज के लिए, कुछ अच्छा चीज के लिए प्रार्थना करना बेनेडिक्शन, किसी के लिए हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन का मतलब प्रार्थना, मंगल कामना, अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, इसका मतलब हिंदी में उदारता। तो बेनी का मतलब जैसा कि अच्छा होता है, और यहाँ पे वॉलेंस जो वर्ड है, वॉलेंस, वॉल VOLO एक वर्ड है लैटिन का जिसका मतलब होता है डिजायर या इच्छा, वॉलेंस उसी से बना है वॉलेंस। तो अच्छा इच्छा रखना, बेनी मतलब अच्छा और वॉलेंस मतलब इच्छा, बेनी वॉलेंस का मतलब अच्छा इच्छा रखना। तो जो अच्छा इच्छा रखता है उसे उदार व्यक्ति कहा जाता है, या फिर दूसरों की सहायता के लिए बहुत ही आगे रहता है जिसका इच्छा अच्छा हो, बेनी वॉलेंस वाले इंसान। जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, किसी को दान देने में या हेल्प करने में उदार दिखाना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप एक डॉगी को पानी पिलाया जा रहा है जिसे इसकी सख्त जरूरत होगी, तो बेनी वॉलेंस। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, किसी से विश्वासघात करना, जिस पे आपको ट्रस्ट हो आप उसी को धोखा कर दें, तो बिट्रे कहलाएगा, ये एक वर्ब है। बिट्रे को बीट और रे में मैं तोड़ दिया हूं, यहाँ पे हिंदी का रे है, यहाँ पे आप इंग्लिश का रे ना समझे किरण वाला, यहाँ पे रे मतलब जो हम लोग बहुत ही गंदे लैंग्वेज में रे का इस्तेमाल करते हैं, अरे ओरे, और बीट मतलब होता है पीटना। तो बीट रे, मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ हैं लेकिन आपका दोस्त आपको धोखा दे दे और आपको किसी से पिटवा दे किसी ग्रुप में, और मान लीजिए पहले से सेटिंग करके रखा है 4-5 लोग को, और जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो आपको वो लोग क्या मिलकर बोलता है, बीट रे मतलब पीटो रे, तो आपसे वो विश्वासघात किया उस समय, बीट रे को बीट रे से याद रखेंगे, बीट रे को बीट रे। टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट है बेवी। बेवी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, किसी स्थान पर लोगों का दल। बेवी को बी और वी में तोड़ लेंगे, बी वी, वी देखिए वी एक प्लूरल शब्द है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग का मतलब बहुत सारा लोग, यहाँ पे मी नहीं आया है, वी आया है, तो वी का मतलब हम लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, तो बेवी मतलब किसी स्थान पर लोगों का दल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप 10 वर्ड इसे आसानी से याद कर लिए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे जरूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।